अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो नए दुकानदार हजरात हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनको फॉल्ट का ओरिजिनल सलूशन बताऊं ताकि उनके लिए काम करना आसान हो जाए। बेशक मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट मत करें, बराए करम एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि एक तो चलता चलता बंद हो जाता है, बाज़ औक़ात बैटरी परसेंटेज ज़ीरो कर देता है और बाज़ औक़ात चार्जिंग जमा ही नहीं करता। उसने किसी दुकानदार से चार्जिंग जैक 20 का तब्दील करवाया है। चार्जिंग जैक बेहतरीन है, ओरिजिनल है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन तो छोटा सा है लेकिन बहुत कार आमद सोल्यूशन बताने लगा हूँ। बैटरी भी उसकी ओरिजिनल है। ये आपके सामने बैटरी में स्पेस है, बैटरी आगे पीछे हो रही है। हमने किसी तरह ये स्पेस ख़त्म करनी है। इस स्पेस की वजह से बैटरी और बैटरी टर्मिनल आपस में सही तरह कनेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये तीनों फॉल्ट्स शो होते हैं। बैटरी का प्लास्टिक थोड़ा सा हमने काटना है। कौन सी साइड? नीचे वाली साइड, याद रख लें, इस साइड से। बड़ी एहतियात से ब्लेड के ज़रिए एक्स्ट्रा जो ऊपर प्लास्टिक बना हुआ है इसको काट देना है। इसको काटने से ये होगा कि टर्मिनल्स बेहतरीन पॉइंट्स के साथ अटैच होंगे। इस सूरत में ऊपर वाला प्लास्टिक नहीं काटना, नीचे वाला काटना है। ये आप देख रहे हैं कितने क्लियर पॉइंट्स हो चुके हैं। अब ये टर्मिनल के साथ बेहतरीन फिटिंग में आएंगे। अभी भी स्पेस है, ठीक है। अब स्पेस को हमने ख़त्म करना है। पहले हमने प्लास्टिक को काटा है। स्पेस ख़त्म करने के लिए बैटरी के जो पॉइंट्स हैं उसके बिल्कुल बैक साइड पर छोटा सा कागज़ या कोई भी चीज़ एल्फी के साथ चस्पां कर देनी है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ज़रूरत के मुताबिक छोटा सा कागज़ का पीस लेना है और एल्फी की मदद से चस्पां कर देना है। ब्रश की मदद से गीली एल्फी को खुश्क कर देना है। ठीक हो गया जी, पॉइंट्स के बिल्कुल बैक साइड पर मैंने कागज़ लगा दिया है। अब बैटरी मोबाइल में डालकर देख लेते हैं। ओके हो गया जी, बेहतरीन फिटिंग में है। मोबाइल को मैंने ज़ोर से अप डाउन किया है लेकिन बैटरी बाहर नहीं निकली। मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, पहले बैटरी तकरीबन 10% शो हो रही थी और अब 50%। इसका फॉल्ट हल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।